हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे करंटली क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो कहना चाह रहे हैं आपसे लेकिन कह नहीं पा रहे। लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी काम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाह रहे हैं बट क्या नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी पहला कार्ड। आई नो आई हैव बीन टफ एंड रूड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो जानते हैं कि वो आपके साथ थोड़े रूड रहे हैं, थोड़े टफ रहे हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन वो आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू बट मी। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जो भी आप दोनों के दरम्यान में फ़ाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। और अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो ये सोचते कि शायद आप में कुछ कमी थी इसलिए पर्सन ने ऐसे बिहेव किया या आपसे फ़ाइट की या कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के दरम्यान में, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपके पर्सन का अपना कुछ स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके साथ थोड़े दूर दूर रह रहे हैं, थोड़ा मिसबिहेव कर जाते हैं या थोड़ा पोलाइट नहीं रह पाते हैं, जिसके लिए पर्सन सॉरी करना चाहता है आपसे। आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू इज इट लव। आपका पर्सन पूछना चाहता है कि कहना चाहता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कभी कभी उनको लगता है कि क्या यही प्यार होता है, जिस तरह से वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको भुला नहीं पाते हैं, आप उनके माइंड से निकल नहीं पाते हो। उनको कभी कभी लगता है कि यू नो यही है शायद सच्चा प्यार। आई नो आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, बट आपके पर्सन जानते हैं कि वो आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं आपको, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। जो उनकी पर्सनल मैटर्स चल रहे हैं उसकी वजह से दे आर अनएबल टू गिव यू व्हाट दे शुड। माय माइंड एंड हार्ट ब्रिंग्स मी बैक टू यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन का दिल और दिमाग उनको आपके पास ही लेकर आता है। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स बट आई वॉन्ट टू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों के दरम्यान में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी अगर करंटली नो कॉन्टैक्ट में भी हो, तो आप दोनों के दरम्यान में जो भी इश्यूज हैं आपके पर्सन उन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही कि हाउ कैन दे डू दैट, किस तरह से कर सकते हैं वो। आई एम योर मैन वुमन फॉर एवर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे हमेशा के लिए। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरी वन आई मीट। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो हर किसी में आपको ढूंढते हैं। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पर्सन हो सकता है कि दे आर ओपन टू डेट एंड मीट न्यू पीपल, लेकिन उनको कोई भी आप जैसा नहीं दिखता है, आप जैसा नहीं मिलता है। वो जानते हैं कि शायद वो आपको खो चुके हैं या आपको उन्होंने अपने गलत तरीकों से आपको खो दिया है, बट वो अपने आपके साथ जो भी आपके मैटर्स हैं उनको फिक्स करना चाहते हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ सको।